इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह मारा गया, जिसके बाद पुराने लखनऊ में बीते 3 दिनों से शिया कम्युनिटी नसरल्लाह को शहीद बताकर उसके लिए मजलिस कर रहे थे और अपनी दुकानों को भी बंद रखा हुआ था। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में आज भी एक साथ ही इकट्ठे हुए और आज जुमे की नमाज के समय शिया कम्युनिटी एकजुट होकर बड़े इमामबाड़े और टीले वाली मस्जिद पर पहुंचे, जहां पर नमाज के बाद इसराइल और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ और मजलिस हुई। जुमे की नमाज के दौरान हैवी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात भी की गयी। देखिए, जो तो अमेरिका जो है वो दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, तो उनकी तरफ से गलत बातें, झूठी बातें मशहूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मनी तो इंडियन मीडिया कर रहा है और सबसे ज्यादा झूठ तो इंडियन मीडिया बोल रहा है। सबसे ज्यादा यानी जो आतंकवादी मुल्क है इसराइल, जिसने आतंकवादियों को पैदा किया, अलकायदा अमरीका इसराइल की बनाई, किसको नहीं मालूम? आप सबको मालूम है कि अलकायदा किसने बनाया, तालिबान किसने बनाया, दाइश किसने बनाया, सब अमरीका इसराइल की बनाई हुई। और उससे जो लड़ रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं, वो हैं दहशतगर्द, वो है आतंकवादी, और जो आतंकवादी है वो जो है आपकी नजर महबूब है, आपको अच्छे लोग हैं। लखनऊ में आज जुमे की नमाज का आयोजन किया गया और इस दौरान ये नमाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई। ये बड़ा इमामबाड़ा है, इसके अंदर ही शिया कम्युनिटी के काफ़ी लोग मौजूद थे और वो साफ तौर से अंदर इकट्ठा होकर आज मजलिस भी की गई, नमाज भी पढ़ी गई और इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आप देखिए कि पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद रही यहाँ पर और आने जाने वालों को भी चेक करती रही। पुलिस फोर्स काफ़ी तादाद में इसलिए भी मौजूद रही, किसी भी घटना और दुर्घटना के लिए बताया गया है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से इसराइल को लेकर यहाँ पर साफ तौर से विरोध किया जा रहा है और ईरान को लेकर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो किया जा रहा है और जिस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो शहीद हो गए, उसी को लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज भी उसी क्रम में आज यहाँ पर मजलिस और बड़ा नमाज का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे थे। आपकी तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर आज पहुँचे थे इस नमाज के दौरान और यहीं से ही इन्होंने अपील भी की है कि इस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके के विरोध में है इसराइल के, वो भी सारी कहीं ना कहीं कवायद हुई है। तो इसको लेकर ये पूरी तरीके से संरचना आज लखनऊ में की गई है।